हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्नो सुजीत। तो गाइस, अगर आप भी यूज़ करते हैं वीवो V15 प्रो स्मार्टफोन, तो गाइस आप सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि फाइनली वीवो V15 प्रो में एक और न्यू अपडेट आ चुका है अगस्त मंथ में, जिसका कि वर्जन हमें मिलता है 8.71.16। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे इसी अपडेट के बारे में, देखेंगे क्या कुछ बग्स वगैरह को फिक्स किया गया। साथ ही साथ गाइस, बहुत लोग फंटाचोस 11 के रिगार्डिंग भी पूछ रहे थे कि क्या अपडेट मिलेगा या नहीं, तो उसके रिगार्डिंग भी आज की वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको अपडेट के रिगार्डिंग और फंटाचोस 11 के रिगार्डिंग इन्फॉर्म मिलेगी, तो हो सके तो वीडियो को इन तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यार, ये रहा वीवो V15 प्रो का न्यू अपडेट। चलिए बात करते हैं गाइस इस अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले यहां पर आप करंट वर्जन देख सकते हैं, यानी कि जो ओल्ड वर्जन है जिस पे कि हमारा स्मार्टफोन अभी वर्क कर रहा था, उसका वर्जन हमें देखने को मिलता है 8.71.15। और गाइस, अब बात करें हम लोग अपडेटेड वर्जन के बारे में, यानी कि जो आज अपडेट आया है वीवो V15 प्रो में, उसका वर्जन हमें देखने को मिलता है 8.71.16। चलिए गाइस, अब बात करते हैं इस अपडेट के साइज के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अपडेट का साइज हमें मिलता है 237.77 MB, यानी कि देखा जाए तो 240 MB का अपडेट है। तो देखा जाए तो अपडेट का जो साइज़ है वो भी यहाँ पर ठीक दिया गया। और गाइस, अब बात करें इस अपडेट के चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट्स के बारे में, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। और साथ साथ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जितनी भी अपडेट्स की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आता है सबसे पहले टेलीग्राम पर ही आता है। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं अपडेट के चेंजेस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अपडेट में सिस्टम और नेटवर्क में इंप्रूवमेंट किया गया। सबसे पहले बात करें सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेटेड 2 जुलाई 2021 गूगल सिक्योरिटी पैच टू इंप्रूव सिस्टम सिक्योरिटी। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आपके मोबाइल का जो गूगल सिक्योरिटी पैच है उसको अपडेट कर दिया जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपडेट है वो अगस्त में आया है, लेकिन जो अपडेट है वो जुलाई का ही है, इसलिए यहाँ पर हमें जुलाई 2021 का गूगल सिक्योरिटी पैच दिया गया। देखा जाए तो हम लोग को अगस्त का दिया जा सकता था, लेकिन अभी जुलाई का ही मिला, तो ठीक ठाक कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज सिस्टम ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एंड इनहैंस सिस्टम स्टेबिलिटी। तो गाइस, यहाँ पर आपके मोबाइल का जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है और जो स्टेबिलिटी है उसको यहाँ पर थोड़ा इंप्रूव कर दिया जाएगा, ताकि आपके मोबाइल ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल वर्क करे, आपके मोबाइल में जो भी बग्स वगैरह होंगे, जो भी थोड़ा ग्लीचेस वगैरह होंगे, उनको यहाँ पर सॉल्व कर दिया जाएगा। और अपडेट करने के बाद आपका मोबाइल थोड़ा ज़्यादा स्मूथ एंड स्टेबल वर्क करेगा। और अब बात करें नेटवर्क के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज नेटवर्क अडेप्टेबिलिटी इन सर्टेन रीजन टू प्रोवाइड अ मोर स्टेबल नेटवर्क कनेक्शन। तो गाइस, यहाँ पर नेटवर्क के जितने भी इशूज़ वगैरह थे उनको यहाँ पर सॉल्व कर दिया जाएगा, जिससे कि अब आपको और भी अच्छा नेटवर्क स्टेबल आपको अपने मोबाइल में मिलेगा। अगर देखा जाए तो जो भी इशूज़ वगैरह आ रहे थे, चाहे वो वाईफाई का हो, वाईफाई हॉटस्पॉट का हो, या नेटवर्क वगैरह में हो, उनको यहाँ पर सॉल्व कर दिया जाएगा। तो गाइस, यही सारी इंप्रूवमेंट्स एंड चेंजेस किया गया था वीवो V15 प्रो के इस न्यू अपडेट में। देखा जाए यहाँ पर कोई न्यू फीचर को ऐड नहीं किया गया है, जैसे कि कोई भी मोबाइल के फीचर उनको ऐड नहीं किया गया, बस यहाँ पर आपके मोबाइल को थोड़ा इंप्रूव किया गया, बग वगैरह को यहाँ पर सॉल्व किया गया। तो गाइस, यही था वीवो V15 प्रो का न्यू अपडेट। अगर आपको मिल चुका है अपडेट तो अपडेट मिल चुका है तो अपडेट को इंस्टॉल कर लीजिएगा। नहीं मिला है तो घबराइए मत, 1-2 हफ्ते के अंदर आप सभी को अपने मोबाइल में अपडेट मिल जाएगा, तो अपडेट को चेक करते रहिएगा, और जैसे ही मिले तो अपडेट को इंस्टॉल कर लीजिए। और अब गाइस, बात करें फंटाचोस 11 के रिगार्डिंग, तो गाइस बहुत लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या फंटाचोस 11 वीवो V15 प्रो में मिलेगा या नहीं। तो गाइस, आप लोग बता दें तो अभी कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है वीवो की तरफ से, लेकिन जो भी रूमर्स वगैरह आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि हो सकता है, मतलब यहाँ पर 50% चांसेस है कि हो मिले, हम लोग अपडेट मिल सकता है, और पर से यहाँ पर 50% चांसेस है कि अपडेट ना मिले। तो गाइस, आप लोगों को बस यही करना है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, जैसे कोई भी कन्फर्म न्यूज़ आएगी मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू बताते रहूँगा। तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आए फंटाचोस 11 या एंड्रॉइड 12 की रिगार्डिंग, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको हमारे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।